तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप जो आर नेम का लोगो, यानी कि अगर दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम आर से रखे हो तो अगर आप उस नाम का यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना चाहते हो तो कैसे आप बना सकते हो, इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो लोगो तो आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, तो उसी तरीके का लोगो मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखाने वाला हूं कैसे आप बना सकते हो। तो चलिए भाई फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको बनाना है, कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको इधर पर बताता हूँ। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो को देखते रहो, कैसे बनाना है आप जो मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा पिक्सल लेवल एप्लीकेशन। तो मेरा ये रहा है पिक्सल लेवल एप्लीकेशन, चलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैंसिल और ओके का। तो आपको यहाँ पे जो कैंसिल के ऑप्शन क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लुक नजर आएगा। अभी आपको यहाँ पे एक न्यू टेस्ट दिखाई दे रहा है जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, जिस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपको जो टेस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से टेस्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे फोर्थ का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाना है। और मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई देने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो है अपने बैकग्राउंड में वाइट कलर को रखता हूँ, ताकि मेरा जो भी काम करूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर के बैकग्राउंड को रख लिया है, उसके बाद वहाँ पे मैं ऊपर जो राइट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड बन चुका है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर जो आपको प्लस का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, तो आपको जो उस आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक फोर्थ नंबर पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स का शेप आ जाएगा। अगर मैं आपको इसमें कलर डाल के दिखाऊँ तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे शेप के ऑप्शन पर तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स का शेप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक सर्कल का शेप लेना है। सर्कल का शेप लेने के लिए आप यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कई सारे शेप आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे सर्कल का शेप मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करके सर्कल का शेप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक सर्कल का शेप आ चुका है। सर्कल का शेप लेने के बाद आप यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहते हो अपने सर्कल में, वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने इस कलर को यहाँ पे रखा, और इसके बाद मैं ऊपर जो राइट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो मेरा जो शेप कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इतना काम कर लेना है आपको। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे प्लस का आइकन है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक न्यू टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जो ये टेस्ट दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। अभी आप यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको आपको कट कर देना है, और अपने कीबोर्ड को जो अपना जो कीबोर्ड का वर्ड है उसको आपको कैपिटल में करना है कुछ इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे जो आर टाइपिंग कर लेना है, तो मैंने यहाँ पे आर टाइपिंग किया और यहाँ पे मैं डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मेरा आर वर्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप कुछ इस तरीके से आपको आर लिख लेना है, और यहाँ पे मैं ए के ऑप्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने फॉन्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं चलिए कोई एक सिंपल फॉन्ट दे दे रहा हूँ अपने इस आर में। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाला तो नहीं चलेगा शायद से, चलिए मान लीजिए दोस्तों मैंने यही वाला चली ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है आप वो फ़ॉन्ट ले सकते हो, आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे अपना यही नहीं बता रहा हूँ कि आप जो यही फ़ॉन्ट को यूज करो, ऐसा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो आपके पसंद का जो भी फ़ॉन्ट है दोस्तों आप वो फ़ॉन्ट यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पे करने का, अभी आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे चले आना है। जाने के बाद आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें आपको जो वाइल्ड कलर को रखना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं कलर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे जो ऊपर राइट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको इतना काम करने के बाद अभी दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे एक ही बाजू में एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे अभी आपको एक बेजियर का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से जो शेप आ जाएगा, यानी डिज़ाइन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो कुछ इस तरीके से जो एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हो वाला सेकंड वाला प्लस का ये जो ऑप्शन है बेजियर मोड में सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको जो एरो आपका कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रखना है, और आपको जो शेप आपने लिया हो इसको आपको यहाँ पे रखना है, और कुछ इस तरीके से आपको जो डिज़ाइन बनाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको दो हैंडल मिल जाते हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पे जो अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो आपके ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन को बना लिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यहाँ पे रखता हूँ मैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और नीचे रखते हैं, इसके लेवल में दिखना चाहिए ताकि।
कुछ इस तरीके से। और वापस से आपको यहाँ पे प्लस का आइकन आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे देखोगे तो आपको ये जो एक्शन में थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको ज्वाइन करके, तो यानी दोनों एंड और पोजीशन को और जो इन पोजीशन और जो अपना स्टार्टिंग पोजीशन है दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्शन में थर्ड ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो दोनों पॉइंट है ज्वाइंट हो जाएगा एक साथ। वापस से आपको जो बेजियर मोड में सेकेंड वाला ऑप्शन आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो हैंडल आ जाएंगे, तो आपको जो अपने सेकेंड वाला जो लिए हुआ है आपको कुछ उसको इस तरीके से करना है, और आपको ये जो ए वाला नीचे वाला पॉइंट इस पर आपको क्लिक करके कुछ इसको भी आपको उसी तरीके से जो है बनाना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको जो शेप क्रिएट करना है यहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको जो ये ऑप्शन है बेजी और ऑप्शन है पिक्सल लेवल एप्लीकेशन में, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए कैसे क्या होता है कौन से ऑप्शन से, तो इसके लिए मैंने एक पर्सन में वीडियो बना दी, अगर आपको देखना चाहते हो तो आपको जो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आपको जो उस वीडियो का लिंक मेरे आई बटन में भी मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो आपको जो कुछ इस तरीके से एक शेप क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक विड्थ का, आपको इसको जो पूरा 0% पे रखना है। उसके बाद आपको ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे जो कोई कलर सिलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए मैंने इस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो राइट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है, और नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे जो स्ट्रोक विड्थ का ऑप्शन है इसको आपको क्लिक सिलेक्ट रहने दीजिए, और यहाँ पे आपको जो ये थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्ट्रोक विड्थ में ही थर्ड वाला ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो अपने कलर है स्ट्रोक में इसको यहाँ पे आपको जो वाइट कलर को रखना है अपने स्ट्रोक में, तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो राइट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने शेप आ जाएगा। अभी आपको इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बढ़ाने के बाद आपका शेप कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको आर अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, ऐसा आपको जो सेट करना है यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने इस डिज़ाइन जो भी मैंने बना हुआ शेप बना हुआ इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से यहाँ तक आपने काम कर लिया, यहाँ तक आपको काम करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ऊपर जो लेयर का ऑप्शन मिला है जिसपे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से लेयर दिखाई देंगे। अभी आपको सभी लेयर के नीचे एक छोटा सा सर्कल देखने के लिए मिलेगा जिसपे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने बाद आपको तीनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने बाद आपको नीचे जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हो, मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करते आपको जो तीनों लेयर था दोस्तों अलग अलग था, उस आपका जो एक तीनों लेयर एक साथ हो जाएगा। अभी आपको कुछ इस तरीके से करने के बाद वापस से जो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे देखोगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि साइड में ही, तो आपको जो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिला जिस पर आप क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट कॉपी लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना अपने इरेजर के ऑप्शन पर। इरेजर के ऑप्शन पर आने के बाद अभी आपको अपने इरेजर का साइज जो कुछ इस तरह से बढ़ा देना है, और यहाँ पे आपको जो इसका इरेजर का हैंडल है आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना है, और यहाँ पे आपको अपने इरेजर को कुछ इस तरह से रखना है, और आपको यहाँ पे जो इतना पार्ट रिमूव कर देना है, यानी कि आपको जो इतना पार्ट जो इरेज कर देना है, यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इरेज करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसा ही इतना पार्ट यहाँ पे इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है। पहले तो मैं चलिए इसको इरेज कर ले रहा हूँ, इसका जो हैंडल है थोड़ा सा नीचे से छोटा कर रहा हूँ, वापस मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ जो भी मेरा पार्ट बचा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इसका थोड़ा सा हैंडल मैं छोटा करता हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे वाला पार्ट, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इरेज कर लिया हूँ, देख सकते हो। आपको इरेज कर लेना है, इतना पार्ट आपको रखना है। नीचे आपको यहाँ पे देखो साइड में आपको राइट का ऑप्शन मिला है जिस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक शेप बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको इस जो शेप आपको इसको यहाँ पे सेट कर, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, अभी आपको जो आपने शेप इरेज किया हुआ है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे इरेजर के ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो इरेज कलर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करते आपको जो ये शेप लिया हुआ है आपने, इसमें जो व्हाइट कलर आपका रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे टोल्डन को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको ऊपर जो राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो शेप यहाँ पे इसको सेट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन मिला जिस पर आप क्लिक करोगे, इसको क्लिक करके इनेबल करोगे, तो आपको जो नीचे वाला शेप है इसमें आपको कोई अलग कलर आ जाएगा कुछ इस तरह देख सकते हो। अभी आप यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कलर ले सकते हो, अगर आपको इसमें से कलर पसंद नहीं आ रहा है प्लस के आइकन क्लिक करके आप यहाँ से जो भी कलर आप बनाना चाहते हो आप कलर यहाँ से बना के नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको वो कलर आपके जो इस शेप में ऐड हो जाएगा दोस्तों। अभी आप यहाँ ऊपर जो राइट का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपको जो कलर यहाँ पे सेट होगा, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे जो है एक कलर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने एक कलर को सेलेक्ट किया नीचे राइट का, सॉरी दोस्तों ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करता हूँ,
और मेरा जो कलर है मेरे इस शेप में आ चुका। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे करने का है, अभी आपका जो पहला वाला तो शेप है यानी कि जो मैंने इरेज किया वो वाला शेप है, अभी आपको जो इसके वाले शेप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको वापस से जो यहाँ पे इरेज के ऑप्शन पे आना है। तो ये रहा आपका इरेज का ऑप्शन, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आने के बाद अपने इरेज के वाले जो ऑप्शन है आपको उसको थोड़ा सा साइज, इसका इरेज का साइज बढ़ा देना है, और यहाँ पे आपका जो हैंडल वाला है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, और यहाँ पे आपने नीचे वाले जो पार्ट को छोड़ा हुआ था पहले वाले शेप में, आपको जो इस वाले शेप में आपको जो पार्ट यहाँ पे डिलीट कर देना है कुछ इस तरह, यानी कि रिमूव कर देना है, यानी कि इरेज कर देना है कुछ इस तरह, जैसे मैं आपको यहाँ पे इरेज करके दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसका हैंडल और थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इसको यहाँ पे जो भी बाकी का पार्ट है उसको चलिए इरेज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इरेज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे साइड में आपको एक राइट का ऑप्शन मिला, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो शेप है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन मिला, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो इरेज कलर का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका जो इसमें व्हाइट कलर रहेगा वो रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आपका शेप कुछ इस तरीके से बन चुका है, आपने ये जो वाला शेप लिया है इसको आपको ला के कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सेट कर देना है। आपको इसके लेवल में सेट करना है ताकि आपको जो यानी कि आपको जो पार्ट है अलग अलग नहीं दिखाई दे, अच्छी तरीके से आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ऐसा सेट करने के बाद दोस्तों आपका जो लोगो है बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, बस आपको इतना ही काम करना है। और इतना सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो नीचे सर्कल वाला शेप दिख रहा है आप उस पर क्लिक करोगे, दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करके नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे ओके करोगे तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो आपका जो लेयर था दोस्तों तीनों एक साथ में हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरीके से जो आर नेम का यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जो भी चीज़ बताना था मैंने आपको सारी चीज़ के बारे में जानकारी दे दी आपको, तो जाइए अभी बनाए दोस्तों इस तरह का लोगो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके वापस से पूछ सकते हो, मैं आपको जो बताने की कोशिश करूँगा कमेंट के जरिए। अगर आपको कमेंट के जरिए पूछ नहीं पा रहे हो दोस्तों तो आप हमें जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी जो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप उधर से लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको इस बारे में सब कुछ बता दिया, तो चाहिए बनाइए इस तरीके का लोगो। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।